General. 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 Medical store se ye injections le aao. पता था आपने मुझे पहचान लिया था बाबा हाँ हाँ पहचान लिया था बता बाबा इतने सालों में मैंने इतना मिस किया मैं आपको बता नहीं सकती बहुत अकेली हो गई थी बाबा आपके बिना आपको बताएं बाबा मैंने ना सिविल मेंस टॉप किया है मैं अकेली ट्रेनिंग करती थी ठीक उसी तरह सोच सोच के कि बाबा होते तो मुझे कैसे ट्रेन करते और मैं ना पुलिस ऑफिसर बनने ही वाली थी लेकिन लेकिन कभी खबर आई कि सत्या सीएम बनने वाला है तो मुझे सब छोड़कर पुणे आना पड़ा बाबा उसका पर्दाफाश करने उसकी काली करतूतों की उसे सजा देने उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने और बाबा मैंने उसे एक्सपोज कर दिया था लेकिन वो सत्या शातिर निकला उसे पीछे हटना पड़ा तो उसने कस्तूरी को आगे कर दिया बाबा गेम खेल गया वो लेकिन कोई बात नहीं उसे छोड़ेंगे नहीं बाबा एक बार उसे मैं उस जेल की सलाखों के पीछे देख लूं उसके बाद बाबा मैं अफसर बनूंगी बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार मैं वो अपने अपने बाबा की वर्दी पहनूंगी आप देखेंगे ना बाबा तो आप कहेंगे कि अरे मेरी आर्या तो बिल्कुल मेरे जैसी बन गई है बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहता था बाबा मैं जानती हूँ कि इतने सालों में आपने भी बहुत कुछ सहा है हम सबसे कई ज्यादा लेकिन बाबा अब हम सब साथ हैं आप मैं जान काका एक क्या पापा ने ना आज मेरी सारी विशेष पूरी कर दी मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी मेरे बाबा और मेरा बेस्ट फ्रेंड दोनों लौटा दिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो इस शरीर में आत्मा और दिल दोनों आ गए हो इसे होश आने में वक्त लगेगा तब तक थोड़ी बातें कर लेते हैं क्या करना है कब करना है बाबा वो सब बातें होती रहेगी अब ये तो बताइए कि आप कहाँ थे इन 14 सालों में आप जब उस खाई में गिरे फिर जान काका ने आपको कितना ढूंढा लेकिन हमको कोई पता नहीं चला बाबा माल तो सही जगह पे पहुंच गया लेकिन वो बब्बर और उसके सारे के सारे आदमी मारे गए और हमको और कोई देखे उससे पहले हमको भी वहां से भागना पड़ा आपका काम हो गया बब्बर का क्या है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा गब्बर आ जाएगा है ना लेकिन सवाल ये है कि वो कौन था जिसने जंगल में जाके इतने सारे लोगों को मारा खैर छोड़ो पता तो चल जाएगा आज नहीं तो कल आपका काम हो गया है ना भी वहीनी साहब का काम होना चाहिए
हो जाएगा सत्या साहब। बाबू साहब जी, बाबू साहब वोट मिलेंगे वही नहीं साहब, कोई जीतेगी तो वही नहीं साहब भी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे अरे कोई है क्या घर में? ये सब टाइम पास चालू है सब लोग का। अरे कोई देखेगा इसको? ठीक करो। बब्बर और उसके सारे के सारे आदमी मारे गए। क्या हुआ? सब ठीक है? ओ बाबर आदमी नहीं, बब्बर शेर था। इसको मारना कोई खाने का काम नहीं। जिसने भी ये किया है बहुत चाहते रहे हो। ऐसा बिन बुलाए तूफान की तरह प्रकट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो रिया, तुम किसी भी कीमत पर अपनी असली पहचान इसे नहीं बताओगे। क्लियर? दूसरी बात, तुम्हारे और जानराव के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंकुश जिंदा है। अगर मेरा बस चलता ना तो जानराव को कभी ये पता नहीं चलने देता कि मैं जिंदा हूं। पर बाबा, काका ने हमेशा हर कदम पर मेरी रक्षा की होगी ना, लेकिन फिर भी वो कमजोर कड़ी है हमेशा से थी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें दोबारा आयरा बनकर सत्या के घर में जाकर अपनी जगह बनानी होगी। क्लियर? बाबा, उन लोगों ने मुझे उस घर से निकाल दिया है, कैसे जाऊंगी? हाँ, अगर अगर युग हमारे प्लान में शामिल होता ना तो ये पॉसिबल था, क्योंकि वो लोग युग पर पूरी तरह से भरोसा करते। एक्या पर। ये लड़का हमारे काम आएगा, ये काम आएगा हमारे। लेकिन कैसे बाबा? आपने तो कहा कि मुझे उसे अपनी असलियत नहीं बतानी है, फिर कैसे? आने से पहले इशारा दे दिया करो कि आ रहे हो। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब हमें और भी सतर्क रहना होगा, कौन मित्र है कौन शत्रु है कहा नहीं जा सकता। कांपना बंद करो, दरवाजा बंद करो। अब प्लान ध्यान से सुनो। साहिब, डॉक्टर ने जई को इंजेक्शन दे दिया है, अभी के लिए शांत हो गई है। मेरे को जई का फिक्र नहीं है, टेंशन वो युग का है कि वो ये टाइम पे किधर है, क्या कर रहा है। साला उसका गाड़ी उधर जंगल में क्या कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ? उसने मेरे आदमी लोग को मारा था। यही एक रास्ता है, किसी को तुम पर शक नहीं होगा और तुम फिर से उस घर में जा पाओगी। नहीं बाबा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो युग की जान खतरे में आ जाएगी बाबा। मैंने प्लान पूछा नहीं है, बताया है आर्या। लेकिन बाबा, बस यही एक प्लान है, यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई फूल प्रूफ प्लान नहीं है।
अब तुम तय करो हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ बाबा। अगली बार से इतना नहीं समझाऊंगा, भरोसा करने की आदत डाल दो। सारी तैयारियां कर ली मैंने, कल सुबह होते ही युग को वहां शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? बेटा तूने उन्हें मना क्यों नहीं किया? मानता हूं वो तेरे बाबा हैं, वापस आ गए हैं, मैं बहुत खुश है बेटा। लेकिन देख बेटा, वो जो करने को कह रहे हैं ना, वो गलत है। और वो सिर्फ युग के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी गलत है। अरे बेटा, वो अपना एक क्या है, वो ना वो हमारे लिए ही सत्या के खिलाफ लड़ रहा है। बेटा क्यों क्यों तू राजी हो गई? क्योंकि मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है काका, वो सत्या की रग रग से वाकिफ है, वो जो सोचेंगे बिल्कुल ठीक सोचेंगे। ए, इसको देखा था, कल एक गाड़ी निकली थी इसी रास्ते से गई थी। चलो आगे देखते हैं। मैडम, दिखा है क्या? नहीं। उसे पूछते हैं। यहाँ दिखता हूँ। चलो, चलो। जब आप 14 साल तक एक चीख को अपने अंदर दबा कर रखते हैं ना, तो वो अटक जाती है। बाबा दुख और गुस्से के परे चले गए। बेटा मान भी लो, लेकिन वो कानून के परे जाने को भी तैयार लग रहे। हम कुछ राज्यवर्कर जो कभी कानून के पुजारी थे। तो काका हम उन्हें रोक लेंगे ना? आई प्रोमिस यू, आई विल नॉट लेट बाबा क्रॉस एनी लाइंस। बाबा जैसे हो गए ना, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। लेकिन फिलहाल हमारा इस प्लान पर काम करना ज्यादा जरूरी है। हम बाबा को दोबारा नहीं खो सकते। दिस प्लान स्टार्ट्स नाउ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.